आज की इस क्लास में हम इन्फिनिटिव स्टडी करेंगे। इन्फिनिटिव कहते हैं, अगर हम वन वर्ड में समझें इसको, तो इन्फिनिटिव कहते हैं टू प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को। वर्ब आप जानते हैं क्रिया होती है। जब कोई क्रिया अपने मेन फॉर्म में होती है और उसके पहले टू लगा हुआ रहता है तो उसको हम इन्फिनिटिव कहते हैं। जैसे टू गो, टू ईट, टू स्लीप, जाना, खाना, सोना। ऐसी कोई भी वर्ब जो अपने मेन फॉर्म में हो और अपने से पहले वो टू कैरी कर रहा हो तो वो इन्फिनिटिव कहलाता है। और एक और आप चीज़ देखेंगे कि उसकी हिंदी जो होती है उसके पीछे लास्ट वर्ड में हमेशा ना लगा रहता है। जैसे झूठ बोलना, ये ना लगा हुआ है, ये इन्फिनिटिव है। झूठ बोलना पाप है। इसको कैसे हम सेंटेंस में यूज करेंगे? टू लाई, झूठ बोलना क्या है? पाप है, इज अ सिन। या हम कह सकते हैं इट इज अ सिन टू लाई। दोनों तरीके से हम इसको बना सकते हैं। इन्फिनिटिव को पहले भी हम यूज कर सकते हैं और बाद में भी। वहां जाना बुद्धिमानी नहीं है। वहां जाना, ये जाना आपका इन्फिनिटिव है, ना लगा हुआ है। टू गो हो गया इन्फिनिटिव। देयर, देयर मतलब वहाँ। टू गो देयर, वहाँ जाना बुद्धिमानी नहीं है, इज नॉट वाइज। और इसको हम कह सकते हैं इट इज नॉट वाइज, यह बुद्धिमानी नहीं है क्या? टू गो देयर, वहाँ जाना। ओके दूसरों को सताना अमानवीय है, है ना? दूसरों को सताना अमानवीय है। सताना आपका इन्फिनिटिव है। टू ऑप्रेस, किसको? दूसरों को, अदर्स। टू ऑप्रेस अदर्स, दूसरों को सताना क्या है? अमानवीय है, इज इनह्यूमन। और दूसरे तरीके से इट इज इनह्यूमन अमानवीय है। क्या अमानवीय है? दूसरों को सताना। टू ऑप्रेस अदर्स। ओके क्लियर है? दूसरों की मदद करना हमारा धर्म है। मदद करना आपका इन्फिनिटिव है, करना लगा हुआ है यहाँ पे। टू हेल्प अदर्स, टू हेल्प इन्फिनिटिव हो गया। टू हेल्प अदर्स, दूसरों की मदद करना, यहाँ तक हो गया। हमारा धर्म है, इज आर ड्यूटी। और दूसरे तरीके से इट इज आर ड्यूटी टू हेल्प अदर्स। चोरी करना अपराध है। चोरी करना आपका इन्फिनिटिव है, करना लगा हुआ है यहाँ पे। टू स्टील इज एन ऑफेंस। और हम कह सकते हैं इट इज एन ऑफेंस, यह अपराध है। क्या अपराध है? चोरी करना, टू स्टील। ठीक है, तो इस तरीके से हम इन्फिनिटिव को यूज करते हैं सेंटेंस में। इसका बहुत कॉमन यूज है। अब हम कुछ और वर्ड्स जो हमने अभी स्टडी किया है वो देखते हैं। पहला वर्ड था, इसमें हमने स्टडी किया था झूठ बोलना। इससे रिलेटेड कुछ बातें हम और समझते हैं, कुछ बातें हम और सीखते हैं। झूठ बोलना के लिए क्या होता है? टू टेल अ लाई। टू टेल अ लाई का मतलब होता है झूठ बोलना। लाई मतलब झूठ, टेल मतलब बोलना।
और सच बोलने के लिए क्या यूज होता है? टू स्पीक द ट्रूथ। जब हम सच बोलने की बात करते हैं तो उसके साथ स्पीक वर्ड आता है, स्पीक वर्ब आता है, और झूठ बोलने के लिए टेल वर्ड आता है। ओके और ट्रूथ के पहले हमेशा द लगता है, लाई के पहले अ लगता है। अगर हम सिर्फ टेल बोलें, टी ई डबल एल, टेल मतलब वैसे तो बोलना होता है, लेकिन टेल का अगर एडवांस मीनिंग में हम समझें तो इसका मतलब झूठ बोलना भी होता है। जैसे हम किसी को अगर कहते हैं डोंट टेल, इसका मतलब वो झूठ मत बोलो। यानी टेल अपने आप में इतना मीनिंग कैरी करता है कि वो लाई नहीं भी रहे तो वो मीनिंग कैरी करता है झूठ बोलने का। ओके ये हो गया झूठ बोलना। पाप, पाप के लिए आप जानते हैं सिन, सिन मतलब पाप होता है, ठीक है। पाप से रिलेटेड और कोई चीज़ जो मैं आपको बता सकूं? पाप नहीं। ओके बुद्धिमानी, बुद्धिमानी जो है वो वाइज से बना हुआ वर्ड है, विजडम, विजडम मतलब बुद्धिमानी होता है, ये नाउन है। किससे बना है? वाइज से बना है। वाइज का मतलब होता है बुद्धिमान, ये एडजेक्टिव है। कोई व्यक्ति बुद्धिमान है, ही इज अ वाइज मैन, और वाइज से बना है विजडम, बुद्धिमानी। सताना, सताना को कहते हैं ऑपरेस, आपने पीछे सेंटेंस में देखा था, ऑपरेस का मतलब सताना होता है, सप्रेस का मतलब भी सताना होता है, दोनों वर्ड होते हैं ऑपरेस और सप्रेस। और इसमें हम ईडी लगा दें अगर ऑपरेस्ड, अगर इसको हम ऑपरेस्ड कर दें या सप्रेस्ड कर दें तो क्या हो जाएगा? ये वो लोगों को बता रहा है जो दबाए गए हैं, सताए गए हैं, जिनको कुचला गया है सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, उनको हम ऑपरेस्ड कहते हैं, सप्रेस्ड कहते हैं, ये उसका एडजेक्टिव बन गया। जब हम किसी बहुत सारे वर्ड में, जब हम वर्ब में खास करके ईडी लगा देते हैं, जैसे कुक, कुक में हम ईडी लगा देते हैं तो कुक्ड हो जाता है, बॉयल में हम ईडी लगा देते हैं तो बॉयल्ड हो जाता है। तो बॉयल तो वर्ब है आपका, है ना, बॉयल क्या है? बॉयल आपका वर्ब है, लेकिन बॉयल्ड कर दिया तो ये एडजेक्टिव बन जाता है, एडजेक्टिव की मीनिंग कैरी करता है ये, बॉयल्ड एग, उबले हुए अंडे, अंडे की विशेषता बता रहा है। ओके अमानवीय, अमानवीय को हमने देखा इनह्यूमन, ह्यूमन से बना हुआ है वो, इनह्यूमन मतलब अमानवीय। ओके मदद करना, मदद करना को कहते हैं टू हेल्प, सबसे कॉमन मीनिंग हम ये समझते हैं मदद करना के लिए। इसके बाद मदद करने के लिए और क्या यूज कर सकते हैं? टू लेंड वंस हैंड, टू लेंड वंस हैंड का मतलब भी होता है मदद करना। अगर आप अपना हाथ किसी को उधार दे रहे हैं, यानी आप उसमें हाथ बटा रहे हैं, दैट मीन्स आप मदद कर रहे हैं, ठीक है। धर्म, धर्म के लिए आपका वर्ड था ड्यूटी, ड्यूटी मतलब धर्म होता है, ठीक है। चोरी करना, चोरी करना के लिए सबसे कॉमन वर्ड है स्टील, स्टील मतलब चोरी करना, लेकिन एक और अच्छा वर्ड है पिल्फर, पिल्फर मतलब भी चोरी करना होता है। कब, क्या फर्क है दोनों में? पिल्फर तब यूज करते हैं जब हम धीरे धीरे किसी चीज़ को, रोज रोज किसी चीज़ को हम चुराते हैं, जैसे किसी गोडाउन से अगर कोई वहाँ का वर्कर जो है वो रोज कुछ चुरा लेता है, थोड़ा सा पॉकेट में लेके आ जाता है, तो वो पिल्फर कर रहा है, वो स्टील नहीं कर रहा है, ठीक है। तो थोड़े थोड़े मात्रा में हम कहीं से कोई चीज़ अगर रेगुलरली चुरा रहे हैं तो उसके लिए हम पिल्फर यूज करते हैं। और अपराध, अपराध के लिए, अपराध के, अपराध को हम ऑफेंस कहते हैं, ऑफेंस मतलब अपराध कहते हैं। ट्रैवलिंग विदाउट टिकट इज एन ऑफेंस, ऑफेंस का अपोजिट होता है डिफेंस, डिफेंस मतलब बचाव करना। ऑफेंस का वर्ब क्या बनेगा? ऑफेंड, ऑफेंड मतलब अटैक करना, और इसका अपोजिट बनता है डिफेंड, डिफेंड मतलब बचाव करना, ठीक है।
ऑफेंड कहते हैं ना, ऑफेंड मतलब कहते हैं अटैक इज द बेस्ट ऑफेंस, बेस्ट डिफेंस. अटैक इज द बेस्ट डिफेंस. अटैक जो है वो सबसे पहला सबसे अच्छा डिफेंस है. ओके यानी ऑफेंड इज द बेस्ट डिफेंस ऐसा भी कह सकते हैं हम. तो अटैक इज द बेस्ट डिफेंस ज्यादा बोलते हैं हम. तो ऑफेंड, ऑफेंड से बना है, ऑफेंड आपका वर्ब है, ऑफेंड से बना है ऑफेंस, मतलब आक्रमण करना, ऑफेंड मतलब अटैक करना, और ये उसका नाउन है ऑफेंस. ठीक है, तो आई होप ये वर्ड्स और ये जो इन्फिनिटिव मैंने आपको बताया है आपको अच्छा लगा होगा. थैंक यू फॉर वॉचिंग.